हेलो फ्रेंड्स, हम लोग सीमेंट पढ़ रहे हैं और इस वाले वीडियो में हम लोग सीमेंट के लिए फाइनल सेटिंग टाइम टेस्ट जो है कैसे किया जाता है उसको हम लोग पढ़ेंगे। अगर आप इसी वीडियो को देख रहे हैं तो आप इसके पहले जो है कंसिस्टेंसी टेस्ट कैसे किया जाता है आप उसको देख लीजिएगा, तब आपको जो है अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं कैसे किया जाता है। तो ये जो फाइनल सेटिंग टाइम टेस्ट जो होता है ये विकार्ट ऑपरेटर्स के द्वारा ही किया जाता है और नीडिल विथ कॉलर की सहायता से किया जाता है। ठीक है, एक कॉलर होता है उसके साथ जो है नीडिल लगी होती है, उसके साथ जो है किया जाता है। ये है, ये हो गया नीडिल और ये हो गया कॉलर, ठीक है ना, और ये हो गई नीडिल। तो इसके सहायता से जो है फाइनल सेटिंग टाइम टेस्ट किया जाता है। तो सबसे पहले क्या किया जाता है कि नॉर्मल कहें या स्टैंडर्ड कहें, ठीक है, नॉर्मल या स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी ज्ञात करते हैं, इसको जो है पी से डिनोट करते हैं। और ये क्या होता है, ये कंसिस्टेंसी जो है वाटर की मात्रा होती है। ठीक है, तो पहले हम नॉर्मल या स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी ज्ञात कर लेते हैं, यानी कि वाटर की मात्रा पता कर लेते हैं, फिर इसके आधार पे, कंसिस्टेंसी के आधार पे जो है फाइनल सेटिंग टाइम टेस्ट करने के लिए कितनी वाटर की मात्रा चाहिए वो कैलकुलेट करते हैं, और वो होती है 0.85 पी, यानी कि कंसिस्टेंसी की 85% जो है हम वाटर लेते हैं। ठीक है ना, 0.85 पी जो है हम लोग वाटर लेते हैं। देखिए, अभी इसके पहले मैंने इनिशियल सेटिंग टाइम टेस्ट बताया है उसमें और इसमें जो है ये 0.85 पी जो है ये दोनों सेम ही है, और इसको जो है याद रखेंगे, ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम में बहुत ही पूछता है, इसमें से कुछ नहीं पूछेगा, बस यही पूछेगा कि फाइनल सेटिंग टाइम टेस्ट के लिए जो है वाटर की मात्रा कितनी होती है। तो 0.85 पी, और पी क्या है, कंसिस्टेंसी है। ठीक है, तो अब जो है हम वाटर की मात्रा कैलकुलेट कर लेते हैं यहां से। अब कैलकुलेट करने के बाद हम क्या करते हैं कि पेस्ट बनाते हैं। ठीक है, हमने जो सैंपल लिया है सीमेंट का उसमें इस वाटर को डाल करके पेस्ट बनाते हैं, और वही पेस्ट बनाने की जो प्रोसेस है उसको गेजिंग कहेंगे, और गेजिंग टाइम जो है 5 मिनट लेंगे, यानी कि 5 मिनट में अच्छे तरीके से जो है पेस्ट बन जाएगा, मिल जाएगा अच्छे तरीके से वाटर उसमें। अब फिर क्या करते हैं कि पानी को जब हम सीमेंट में वाटर को जब डालते हैं तो उसी समय जो हमारी स्टॉपवॉच होती है उसको क्या करते हैं कि ऑन कर लेते हैं। ठीक है, तब स्टॉपवॉच चलने लगती है। अब क्या होता है कि अब जो ये पेस्ट होता है इसको हम लोग मोल्ड में, जो मोल्ड है विकार्ट ऑपरेटर्स के द्वारा हम जब करेंगे टेस्ट, तो 40 mm इसका जो है हाइट है, तो इस मोल्ड में हम लोग पेस्ट को भर देंगे। और पेस्ट को भरने के बाद से जो कॉलर है, नीडिल विथ जो कॉलर है, ये वाला चीज है, इसको हम ला करके जो है सरफेस पे छोड़ देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, सरफेस पे ला करके छोड़ेंगे। तो अलग, देखिए, कॉलर को सरफेस पे अलग अलग टाइम इंटरवल पर लाकर छोड़ते हैं। सरफेस पर जो है नीडिल का निशान पड़े, ठीक है, परंतु कॉलर का निशान न पड़े, तब उस ड्राइंग को नोट कर लेते हैं, और यही क्या होता है सीमेंट का जो है फाइनल सेटिंग टाइम होता है। ठीक है ना, नीडिल का निशान पड़े, निशान तो पड़े परंतु, देखिए यहां पे निशान तो पड़े, यहाँ पे लिख लीजिएगा पड़े, परंतु कॉलर का निशान ना पड़े, तो उस टाइम को जो है हम लोग क्या बोलेंगे, फाइनल सेटिंग टाइम टेस्ट करेंगे। देखिए, हमने पेस्ट बना लिया है, पेस्ट को मोल्ड में रख लिया है, अब मोल्ड के ऊपर जो है हम लोग इस कॉलर को ला करके यहाँ पे छोड़ देंगे। ठीक है ना, तो अब स्टॉपवॉच में टाइम चल ही रहा है, तो अब क्या होगा कि ये जो पेस्ट गीला होगा, पेस्ट क्या होगा, गीला होगा, तो ये जो नीडिल है इसका जो ये सुई जो है इसका क्या होगा कि पेस्ट गीला होगा तो इस पे निशान पड़ जाएगा, और ये जो कॉलर है इसका भी निशान पड़ेगा। ठीक है ना, क्योंकि ये ऊपर से भारी होता है, इसमें वेट होता है कुछ, तो भारी होने के कारण जो है ये नीचे गिरेगा। ला करके हम सिंपल ऐसे छोड़ेंगे, फ्री एकदम ला करके सरफेस पे छोड़ेंगे, तो इसका अपना वेट है, तो वेट के कारण जो है वो गीला होगा, तो गीली चीज पे तो निशान पड़ ही जाएगा, तो ये उसमें धस जाएगा और उस पे निशान पड़ जाएगा। तो हमको वो टाइम पता करना है कि ये जो नीडिल है इसका निशान पड़े, लेकिन ये जो कॉलर है इसका निशान उस पे ना आए। तो जब ऐसी स्थिति आने लगेगी
कि नीडिल का निशान पड़ रहा है लेकिन कॉलर का निशान जो है नहीं पड़ रहा है, तब हम जो है क्या करेंगे कि स्टॉप वॉच में जो टाइम हो रहा होगा उसको हम नोट कर लेंगे और वही टाइम क्या होगा, फाइनल सेटिंग टाइम होगा सीमेंट का जो क्या होगा वही जो है फाइनल सेटिंग टाइम होगा। तो इस तरह से फाइनल सेटिंग टाइम जो है कैलकुलेट कर लेंगे। अब देखिए जो ओपीसी है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट जो है इसका फाइनल सेटिंग टाइम जो है 10 घंटे लिया जाता है और क्विक सेटिंग सीमेंट जो है इसका फाइनल सेटिंग टाइम कितना होता है 30 मिनट होता है। तो ये दोनों ही इम्पोर्टेंट है और इसके पिछले वाले वीडियो में भी दोनों के लिए इनिशियल सेटिंग टाइम था वो भी इम्पोर्टेंट है। तो ये तो हो गया फाइनल सेटिंग टाइम, ठीक है ना, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के लिए और क्विक सेटिंग सीमेंट के लिए इतना इतना होता है। अब देखिए जो इनिशियल सेटिंग टाइम होता है तो वो हम लोग इसलिए निर्धारित करते हैं कि जब हम सीमेंट को मसाला बनाते हैं या कंक्रीट बनाते हैं। देखिए कंक्रीट क्या होता है, कंक्रीट होता है सीमेंट, वाटर, गिट्टी और बालू, जिसको हम गिट्टी बोलते हैं वो और बालू, इन सबका जो मिक्सचर होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, कंक्रीट। हम जो बीम में ढालने के लिए और जो कॉलम में बनाने के लिए यूज करते हैं उसी को हम लोग कंक्रीट बोलते हैं, ठीक है ना। तो जो कंक्रीट है तो जब हम उसको बना रहे हैं तो जब हमने वाटर मिलाया उसमें तो इनिशियल सेटिंग टाइम ये होता है कि जब से हमने सीमेंट में वाटर मिलाया तब से लेके 30 मिनट तक जो है उसको जहां जिस स्थिति में ढालना है जहां पे लगाना है वहां तक वहां जो है लग जाना चाहिए। मतलब 30 मिनट के अंदर हमें मसाला वसाला जो भी बना के और हमको उसको जहां पे यूज करना है हम लोग वहां पे उसको यूज कर ले, ये होता है इनिशियल सेटिंग टाइम। और फाइनल सेटिंग टाइम क्या होता है कि जब हमने सीमेंट को मतलब इनिशियल सेटिंग टाइम तक हमने जहां उसको यूज करना था वहां हमने यूज कर लिया, ठीक है। तो मान लीजिए कहीं पे हमने यूज कर लिया, अगर उसमें कोई दरार पड़ जाती है फाइनल सेटिंग टाइम के पहले, इनिशियल सेटिंग टाइम के बाद और फाइनल सेटिंग टाइम के पहले अगर उसमें कोई क्रैक्स पड़ जाते हैं, दरार पड़ जाता है या लड़के होते हैं या कुछ भी किसी चीज से वो हिल जाता है तो वो तो जो जुड़ा रहेगा वो अलग हो जाएगा। तो अगर फाइनल सेटिंग टाइम नहीं बीता है तो वो हिल गया है ना तो दोबारा से क्या होगा, अपने में चिपक जाएगा और बॉन्ड बना लेगा, दोबारा क्या होगा चिपक करके और बॉन्ड बना लेगा। लेकिन अगर फाइनल सेटिंग टाइम बीत गया है तो अगर वो क्रैक्स हो गया उसमें तो वो जो है दोनों अलग ही रहेंगे, वो दोबारा से क्या होगा कि इसमें बॉन्डिंग नहीं हो पाएगी, दोबारा क्या होगा ये इसमें बॉन्डिंग नहीं हो पाएगी। तो इनिशियल सेटिंग टाइम के पहले अगर कोई क्रैक्स उत्पन्न होगा तो वो अपने से जुड़ जाएगा लेकिन इनिशियल सेटिंग टाइम के बाद जो है वो अपने से जुड़ेगा नहीं। तो जो फाइनल सेटिंग टाइम होता है, देखिए फाइनल सेटिंग टाइम है तो फाइनल सेटिंग टाइम के पहले अगर क्रैक्स उत्पन्न होगा तो वो जुड़ जाएगा, अगर फाइनल सेटिंग टाइम के बाद जो है क्रैक्स उत्पन्न होगा तो जुड़ेगा नहीं वो। तो जो फाइनल सेटिंग टाइम होता है उसमें जो सीमेंट होती है वो गीली अवस्था में रहती है, पेस्ट की अवस्था में रहती है और फाइनल सेटिंग के बाद जो है फाइनल सेटिंग टाइम के बाद क्या होती है वो ठोस अवस्था में हो जाती है, सॉलिड हो जाती है, ठीक है। तो वो क्या हो गई होती है, कठोर हो गई होती है लेकिन अभी उसमें क्या होता है कि लोड सहने की क्षमता नहीं आई होती है। वो ठोस तो हो गई होती है लेकिन अभी लोड सहने की क्षमता नहीं आई होती है। वो आती है कब, 28 दिन के बाद वो जो है 80-90% उस सीमेंट की जितनी स्ट्रेंथ है उसके अनुसार जो है 28 दिन बाद जो है 80-90% वो अपना लोड लेने लगेगी, ठीक है। तो हमने इस वीडियो में पढ़ लिया फाइनल सेटिंग टाइम टेस्ट कैसे किया जाता है और उसके लिए वाटर की मात्रा कैलकुलेट करते हैं कैसे और ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के लिए जो है कितना होता है, ये चीजें हमने देख लिया। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे अगले टेस्ट के बारे में पढ़ते हुए। तब तक के लिए धन्यवाद, इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अगर आप लोग लाइक करेंगे तो मुझे क्या होगा कि पता चलेगा कि आप लोग पसंद कर रहे हैं, मैं भी ऐसे ही और भी सारे सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा। अगर आप नए हैं तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं बहुत जितने भी सारे सब्जेक्ट हैं सबको ही पढ़ाने वाला हूँ, मैं नहीं तो कोई और पढ़ाएगा, ऑब्जेक्टिव भी इसी पे शुरू होकर कराएंगे। और अपने दोस्तों को साथ शेयर भी कर दीजिए क्योंकि इतना अच्छा जो है पढ़ाया जा रहा है तो आप लोग तैयारी करेंगे अच्छा ही रहेगा आप लोगों के लिए, ठीक है।